क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। उन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन से परीक्षाओं को टालने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए ताकि वह अपना सिलेबस पूरा कर सकें। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांग नहीं मानता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, जैसे कि आई क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि हमारी जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो डेट शीट इशू हो चुकी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं अभी तक उनका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। कई कॉलेजेस में सेकंड यूनिट शुरू हुआ है, कई कॉलेजेस में अभी थर्ड यूनिट शुरू हुआ है और तकरीबन हमारे कोर्स को अभी 2.5 महीना हो चुका चलते हुए, हमारा अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और हमारे पास अब गिन के 10 दिन बच चुके हैं। अब उन 10 दिन में हमारा क्या बकाया 50% हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? और हर बार ऐसा ही, क्योंकि स्टूडेंट्स पे ही प्रेशर बनाया जाता है, तो मैं वीसी सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने इनसे कोई ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड नहीं मांगी ना कुछ, हम ये कह रहे हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट कराओ, बट स्टूडेंट्स को 6 से 7 दिन सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए घर में, बट वीसी सर इस बात से एग्री नहीं करें, दैट्स वाई हमें आज ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। क्योंकि जो हमारे रिसेंटली अभी कुछ ही महीने हुए हैं पढ़ाई हुए, कुछ ही महीनों में मैक्सिमम साल में सिर्फ 2 सेम कंप्लीट होने चाहिए, 2, लेकिन ये जो करते हैं 3 सेम कंप्लीट कर देते हैं एक साल में। तो हम वही चाहते हैं कि हमारी डेट शीट एक्सटेंड हो और बच्चों को पढ़ने का टाइम मिले। 10 दिन में बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता अपनी सारी बुकें, तो जितना पढ़ेंगे तो उतने ही नंबर। इनको सिर्फ चाहिए होता है पैसे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे लेती है, बच्चे फेल करती जाती है और पैसे लेके पेपर पास कराती है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बच्चों के डेट्स आगे बढ़े और बच्चे पढ़े और पढ़ के अपने कुछ बलबूते पे पहुंचे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल यहाँ पे यही हाल होता है, हर साल जो बच्चे हैं हमारे कॉलेजेस के वो पेपर्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी जाके अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते हैं वो हमें हर बार कोई ना कोई रीजन आगे से दे देते हैं कि कभी ये है, कभी आपका जो टेन्योर है, आपका जो सिलेबस है वो ये है वो है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, हमें लारे ना लगाए जाए और हमारी जो मांग है वो सुनी जाए।